ठीक है करे भाई शुरू है कुछ आई कुछ में बात हुई थोड़ी थोड़ी आई कुछ देखो भाई फिर थोड़ा देख रिपीट करते हैं वही एक्स प्लस वाई की पावर एन क्या बताया था फॉर्मूला खोल दे रहा हूँ खोलना आ गया होगा क्या बताया था बोलो एक्स की पावर एन सी जीरो भी जाएगा एन सी जीरो फिर एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो चाहे वन ना लिखो है ये तो था चाहे ना लिखो लिखा भी दाव दिन या लिखो वाई की पावर जीरो वन आएगा फिर क्या आएगा बोल दो क्या आएगा एन सी वन एन माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई का स्क्वायर एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई का क्यू एंड सो ऑन है भाई फिर बाद में क्या आ गया था एन सी आर यही तो आया था अगर मान ले आर टर्म से निकालना एन सी आर क्या आया था एक्स की पावर क्या आएगा एन माइनस आर और वाई की पावर देखो भाई देखो यहाँ वन है तो यहाँ भी वन है वाई की भी वन है यहाँ टू है ये भी टू है ये भी टू है यहाँ आर है तो यहाँ आर है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक कितने बार से जाओगी फिर एक बार वर्ड इससे एक बार लिखने की कोशिश करते हैं भाई x माइनस वाई की पावर n क्या हो जाएगा भाई एन सी जीरो एक्स की पावर n आगे माइनस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई प्लस क्या आएगा एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई का स्क्वायर आगे माइनस एन सी थ्री माइनस बैठ बैठ जाओ कोई छोटे बच्चों की लास्ट थोड़ी है चार्ज कभी आओ कभी जाओ आराम से बैठ जाओ ठीक ही नहीं है जिसे भी जाना हो आराम से चार्ज चले जाए जिसे आना चार बैठ जाएगा बस बगैर किसी छोड़ गए एन सी थ्री ये छोटे छोटे बच्चों की होती है क्लास है ये देखो ये प्लस क्या तरीका है इसका क्या आएगा हाँ भाई एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई की थ्री अब टू माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर ये आएगा भाई अब मैंने ये क्यों लगाया भाई यार यहाँ माइनस वन की पावर आर है हाँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आर कौन सी टर्म्स है आर देखो इसमें क्या है माइनस वाले देखो भाई एक्स प्लस वाई की पावर एन का एन सी जीरो एक्स की पावर एन एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई एन सी टू ये तो बताया जाता है कि फॉर्मूला मैंने बता देता कि मैंने भाई ये एन सी ये एक्स की पावर जो है घटती जाएगी वाई की पावर बढ़ती जाएगी ठीक है इस तरह माइनस वाले में क्या बताया था मैंने कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ जो है आर यू टर्म कौन सी हो रही है आर यू टर्म मतलब ये प्लस वाली है नेगेटिव जैसे मान लिया पहली पे भी प्लस दूसरी पे माइनस तीसरी पे प्लस चौथी पे माइनस अब मुझे आर ये नहीं पता है कि ये कौन सी वाली है तो आर की वैल्यू जहाँ भी ये देख लेंगे जो सी होगी वही मान ले आर की वैल्यू कितनी है टू है तो यहाँ ये माइनस वन की पावर ठीक है ये भी हो सकते,
तो यही तो है ना, माइनस की पावर जो माइनस की पावर वही तो होगा। यहाँ तक बात नहीं होगी। अच्छा अब अगर मान लिया मैं जो है इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, 1 + x की पावर n, क्या आ जाता है बोल लो? mc0 आगे। देखो भाई अब हम बड़े से हो गए थोड़े, क्या हो गए हमें ये पता चल गया कि 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही है, हमने लिखना छोड़ देंगे 1 को, मतलब कल लिखा हम छोटे रहते हैं, आज हम क्या हो गए बड़े हो गए, तो 1 की पावर कुछ, 1 की पावर का झंझट ही खत्म। ठीक भाई एम सी जीरो आएगा सीधा यहाँ, तो देखो 1 की पावर n आएगा यहाँ, x की पावर 0 आएगा, दोनों हैं, तो अब आगे क्या आएगा बोलो? एम सी 1 आगे वाई तो है ही नहीं मेरे भाई, वाई तो है ही नहीं इसमें, हाँ तो क्या आएगा x आएगा। हाँ राम कथा की मजबूरी है, रात को सुबह जाओ उसमें एन सी 2 + mc3 x³। एन सी आर एक्स की पावर आर, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। अच्छा अब इसी तरह ये क्या आएगा ये लिख के दिखाना भाई सारे तरह अपनी कॉपी में, जरा इसका थोड़ा हाथ पैर चला दो थोड़ी देर, चलाओ देखो भाई यही आया होगा, अगर मेरा देखो मेरा mc0 - mc1x + mc2x - mc3x³ + mc4x⁴ - 1 power r mcr x power r है भाई ये यार, कुछ दिक्कत तो नहीं आती यहाँ तक सुनने में, क्लियर है भाई? क्लियर फ्रेंड सर, इसके एक्स के ऊपर सर स्क्वायर आएगी। हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल भाई, इन्हें देखी रे इनकी फिर हमारी बात है, कोई भी कुछ पता ही नहीं, सब यू चल रहा ठीक है, जो भी लिखते हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया सा बात, बहुत अच्छी बात देख रहे हैं। देखो भाई क्या है इसमें, अब मुझे अगर ये x प्लस वाई की पावर n है, इसकी rth टर्म का फॉर्मूला सीधा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा ये एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, क्या जाएगा हाँ, या इसे लिख सकता हूँ r की पावर, इसे भी लिख सकता हूँ r की r टू 0 टू n, r की वैल्यू कहाँ है देखो 0 से n तक के, जब मैक्सिमम 0 से n तक ही तो हो सके भाई, इसका नाम क्या है सिग्मा नहीं है, ये क्या लिख दो एन सी आर, एन सी आर x की पावर n माइनस r y की पावर r, ये लिख दूँ भाई। देखो r की वैल्यू अगर 0, सिग्मा का मतलब क्या होता है बताया था मैंने कई बार, सम होता है जोड़ होता है, ये तो बताया था, यानी इन सब का जोड़ कहाँ से 0 से n तक का, तो जब मैं r की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये वाली टर्म्स है, प्लस 1 लिखूंगा तो कौन सी टर्म आ जाएगी ये, जब दूसरी रखूंगा ये मैक्सिमम n ही तो रख सकूँ या n से भी ज़्यादा रख सकूँ, n से ज़्यादा क्यों रख सकता भाई मैं, क्योंकि तुमने कम्बिनेशन में पढ़ा होगा 5c2 इसकी वैल्यू तो एकदम निकाल दोगे, तुम कभी इसकी वैल्यू निकाल ली तुमने 5c8 की, क्यों ये फैक्टोरियल माइनस में होता ही नहीं, वो है पढ़ा कभी, वो तो ऐसा है जैसे मान ले कहते हैं ना
आपकी बेटी जो बच्चों को बताना है, बेटे 5 को 0 से डिवाइड करा तो क्या आएगा? 0। अब भी कहेंगे उसे, अब 0 को डिवाइड नहीं, इनफिनिटी आएगा, गलत आ गया, गलत बोल रहे इस तरह, 0 को डिवाइड 5 से करा क्या आएगा? 0। और भाई क्या करा मैंने, 5 को 0 से डिवाइड करा क्या आएगा? इनफिनिटी। नो मीनिंग, कुछ मतलब नहीं है। क्या मतलब है? नो मीनिंग, इनफिनिटी है, असंभव है, चाहे यूं कह दें। तो अब ऐसी ही बात है, ये तो असंभव है भाई, नो मीनिंग है, इसीलिए जो है एन से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। एन क्या हुआ? आर जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, इससे छोटा ही हुआ है। किसी बात है आर बराबर 0 to n से ही लिख सकता हूँ, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है, इसे किस तरह लिख सकता हूँ भाई, इसको, इस वाले को इस तरह में आर टर्म में किस लिख सकता हूँ? माइनस वाई की माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। और इसके लिए क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, इसके लिए और इसके लिए सबने गलती कर दी, यो लगाना भूल गए, ये सब है ही तो भूल जाए इस तरह है नहीं। ये क्या है, सिग्मा क्या लगाना, सिग्मा आर बराबर 0 to n, सिग्मा आर बराबर 0 to n, सिग्मा जो लास्ट टर्म है ये इसके लिए बराबर होगी, इसके लिए एन सी आर एक्स पावर आर, इसके लिए क्या आ जाएगी ये तो बात सुनवा गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आज तक। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक सवाल है छोटा सा हल्का सा है, दो दो भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो एक सवाल है, आर बराबर इसकी वैल्यू निकालनी है, आर सिग्मा आर इक्वल टू 0 to n लिखो भाई से, और सिग्मा आर इक्वल टू 1 3 की पावर आर एन सी आर एन सी आर निकाल से गया कोई भाई या मैं निकाली थी, मैं निकाली थी ना, देखो देखो अभी क्या बताया था मैंने, इसमें r की वैल्यू 0 से n तक रखता चले जाऊँ, ये तो बताया था अभी मैंने। तो r की वैल्यू पहले कितनी रखूँ मैं, 0, तो क्या आएगा 3 की पावर 0 एन सी प्लस, आगे बोलते रहो 3 पावर 1 3 लिख दूँ क्या जाएगा बोल लो, एन सी 1 प्लस है एन सी 2 फिर 3 पावर 3 एन सी 3 प्लस 3 पावर 4 एन सी 4 इस तरह आ जाएगा भाई, इस तरह क्या आ जाएगा, ये 3 की पावर r एन सी आर, ये तो आ जाएगा भाई। ये कहेगा फॉर्मूला बन से गया भाई, फॉर्मूला बना सको इधर इकट्ठा भी कर सको, बताया था मैंने परसों, बहुत टाइम खराब करा था, a प्लस बी का होल क्या, a प्लस बी का, ये कहेगा फॉर्मूला बन से गया भाई, कुछ याद है थोड़ा बहुत। एफ क्या है, शाबाश, और हाँ, और वाई क्या है, वाई एक्स है, एक्स है ही नहीं पूरे में दूर तक के, हाँ, और वाई हाँ, शाबाश, आई नहीं पास नहीं तुम्हारी तुम्हें आई नहीं आई नहीं। देखो भाई मैंने क्या बताया था,
कल मैंने जब फॉर्म ले जब परसों ड्राइव करा था, हल्के की ही ड्राइव करा था, ना शुरू शुरू में बहुत एकदम डायरेक्टली फॉर्म लिखा था कि मैंने ये कहा था कि जो भी पावर किसकी भाई सबसे शुरू में किसकी पावर आ गया है, एक्स की पावर एन आ गया है, एक्स की पावर दिख रही है, कहीं एक्स है कहीं एक्स पावर दिख रही है, इसमें बढ़ती हुई पावर दिख रही है, बस ये किसकी बढ़ती पावर दिख रही किसकी, तो पावर किसकी बढ़ती है, एक्स की बढ़ती है वाई की बढ़ती है, तो वाई कितना, ये तो बात समझ में आ गई ठीक, इसका मतलब क्या नहीं है इसके अंदर, एक्स जहां एक्स नहीं हो कि क्या कौन सा नंबर नहीं लिखते भी कहा था मैंने बड़े हो गए हम, बस एक वन तो छुपा हुआ नहीं आया, वन की पावर एन माइनस वन की पावर यू है ठीक नहीं है, तो एक्स कितना है इसमें, वाई कितना है, ये किसकी नहीं बात समझ में आई भाई, आपकी नहीं है, आपकी आ गई, तो एक्स की ये जो है ना देखो तीन की पावर ये क्या हो रही बढ़ रही, तीन की पावर क्या हो रही, और ये भी सीरीज वहाँ मेरे एन सी जीरो वन टू थ्री फोर को ना सब काम ठीक है, कोई भी टर्म छुटी हुई भी नहीं है और फिट फॉर फार्मूला, तो ये क्या फार्मूला कहेगा, फार्मूला जाएगा ये एक्स प्लस वाई की पावर एन, तो एक्स की वैल्यू इन्हीं एक्स प्लस वाई की पावर का एन का फार्मूला हो जाएगा, नहीं भाई ये एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू थ्री, ये आ गए थे एक बार सवाल जी को बिल्कुल ही सिंपल यही आ था, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी जी, मुश्किल था अब तो आसान हो गया, और अच्छा एक और छोटा सवाल कर लें, छोटा ऐसे छोटे छोटे सवाल कर लेंगे मैंने, अच्छा तो दो भाई ये यही बता रहे थे कि उसमें ग्रुप में देख लो नंबर्स में मोबाइल में आ जाए घर बैठ के ठीक है, पहले ये भी उतारा करने थे अब नहीं उतार रहे हैं, अब तो बड़े सारे हो गए एरिया ठीक है भाई, मोबाइल में आता है ये अभी शाम के घंटे बाद ही डाल देंगे अच्छा भाई मैं एक पहले इससे पहले एक और छोटा सा एक तुम्हें एक लाइन लिख दूँ उसका फॉर्मूला बना के दिखाई, बना लूँगा फॉर्मूला जैसे कि तुम पीछे देते हैं पक्का हो जाएगा, जैसे है एक्स पावर फाइव इसे लिख लो अच्छा सा पहले बुक में पावर फाइव टेन एक्स पावर फाइव प्लस टेन एक्स पावर फोर ए प्लस फोर्टी एक्स क्यूब ए का स्क्वायर प्लस 80x का स्क्वायर ए का क्यूब प्लस 80x ए की पावर 4 प्लस 32 ए की पावर 5, इसकी जो फॉर्मूला वही कहाँ का हो सकता है यार, क्या आएगा भाई शाबाश आगे से सुनो, आप नहीं आए थे बताऊँ भाई हटके अगर जरूरत हो तो भाई क्या रहने दो, देखो भाई एक्स की जो सबसे पावर मैक्सिमम होती है वही तो एक्स होता है, एक्स की सबसे जब पावर घटती है किसकी पावर घटती है, डिग्री किसकी पावर होती है एक्स, तो एक्स तो एक्स है ही, एक्स तो एक्स माइनस नहीं है, माइनस का चक्कर भी खत्म है, सारे प्लस हैं, बहुत सीधा सा बच्चा है तो सीधा प्लस, वाई किसकी पावर हो रही है, हैं
हाँ ए की पावर इंक्रीज हो रही है, ए की पावर क्या हो रही है बढ़ रही है, ए की पावर क्या हो रही है बढ़ रही है, फिर क्या आ जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा भाई, हाँ बोल लो ये आएगा एक्स प्लस ए की पावर फाइव, ये आएगा है भाई, ये आ सकते अच्छा ये एक्स प्लस ए की फाइव को पावर को एक्सपेंड करने ये आ रहा है देखने का, ये भी तो पता लगेगा नहीं है भाई, मान दे दिया यार, मुझे मैं बताऊं भाई नहीं आ रहा तो ये नहीं आ रहा, दिखो भाई दिखो फिर तो गड़बड़ हो गई, देखो ये नहीं आ रहा, ये जिकते जिकते कह रहे हैं बैटरी थोड़ी देर बाद है, सारी गलत आ रही है ना, क्या गलत आ रही, क्या फर्क है यहाँ, यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ देखो यहाँ क्या रहा होगा, इधर देखो यहाँ फाइव आ रहा होगा तुम्हारा, यहाँ ट्वेंटी आ रहा होगा है भाई, ये ट्वेंटी यहाँ फोर्टी आ रहा होगा तुम्हारा, यहाँ भी फोर्टी आ रहा होगा और यहाँ सिक्सटीन आ रहा होगा, ये आ रहा है कुछ और आ रहा या ये भी नहीं आ रहा है, ये आ रहा ना कि है ही कमी है, देखो बस क्या चीज़ बढ़ी हुई है, क्या चीज़ बढ़ी हुई है इसके अंदर, यानी एक ही जगह जो दो का मल्टीपल है, यहाँ यहाँ भी दो का मल्टीपल कम आ रहा है, यहाँ भी दो का मल्टीपल, यहाँ भी ये दो ए, इसका मतलब ये ए नहीं है, ये दो ए है, क्या है ये, इसे खोल के देख लीजिए, ठीक है खोल ले मुझे, एक्स प्लस टू ए की पावर फाइव खोल ली, देख लो इतना तो, इतनी तो अगर लगेगी या इतनी मिनट लगनी, अब आगे खोल भाई बिल्कुल भी अकेले नहीं लगे, सोचा बिल्कुल बच्चों को तो वैसे दिए जाओगे हैं सीधा सीधा है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब तो आ जाएगा संजय भाई, नहीं सर आया संजय, आगे बढ़े भाई, तो देखो क्या है तुम्हें ये तो देखना ही पड़ेगा यार, थोड़ी देर पहले लगानी पड़ेगी, बड़े से हो गए कि दस पाँच आ रहा किस तरह आ रहा है, अभी मैंने क्या बताया था, अगर मुझे टी आर प्लस वी टर्म निकालनी हो, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, टी आर प्लस वन क्या होता है फॉर्मूला, एम सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये तो होती है टी आर प्लस वी टर्म, अगर टी आर प्लस वी टर्म्स निकालनी हो तो क्या होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला एम सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये जनरल टर्म्स निकलते हैं किसी भी आर प्लस वन टर्म्स, आर ही टर्म्स की, ठीक है
जिलनेट टर्म्स का फॉर्मूला है। याद रखेंगे भाई, क्या बढ़ाया था टी आर प्लस वन लिखा हमने, तो वही जुगत हुआ एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। ये है जिलनेट टर्म्स का फॉर्मूला, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर एन माइनस वाई पावर आर। देखो अब लिखो फाइंड द क्वेश्चन, लिखो फाइंड द फाइंड ए, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सेवेंथ सेवनटींथ क्या गया सत्तरवीं क्या जी थे एंड एटींथ एंड एटीन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन क्या लिखा, यानी ये जो है क्या निकालना है, क्या लिखा भाई सवाल, एंड 18 टर्म ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस है विल बी इक्वल ठीक है। क्या करना है इसमें, ए की वैल्यू निकालनी है, ये कह रहा कि 17वीं और 18वीं टर्म्स की वैल्यू अगर सेम है तो क्या की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। ये तो है भाई सवाल सीधा सीधा, देखो अच्छा ये 17, 18 कहता क्यों है, समझना क्यों आ रहा है। जैसे किसी बच्चा कोई मान ले क्लास में छोटा भाई तुम्हारा किस क्लास में पढ़ेगा, क्या कहता है कौन सी क्लास पढ़ता है बेटे, क्या कहता है वो, क्या कहता है नहीं इंग्लिश में क्या कहता है, फिफ्थ कहता है, क्या कहता है फिफ्थ। अगर ये क्या है ना पाँच फाइव में, फाइव थोड़े क्या है, क्या क्या है वो फिफ्थ का मतलब पाँच वी, कौन सी क्लास पढ़ते हो तुम, तो बता दे बेटा ना फिफ्थ में पढ़ता हूँ। एट क्या कहता है वो, यानी आठ ये भी सत्तरवीं और अठारहवीं है, यानी सत्रह अठारहवीं कहते कहता है वो, यानी सत्तरवीं टर्म्स और अठारहवीं टर्म्स इस एक्सपेंशन में इक्वल है तो इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा इसकी वैल्यू एक्सपेंशन की वैल्यू मुझे कोई जनरल टर्म्स की वैल्यू नहीं होगी, ये फार्मूला बताया मैंने टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एम सी आर एक्स पावर एन माइनस वाई की पावर आर। टर्म्स कौन सी वैल्यू निकालनी है मुझे, 17, तो 17 को किससे लिख सकूंगा जनरल टर्म से, इस फार्मूले से निकलेगी आर प्लस वन में, तो इसे 17 को किससे लिख सकूँ, इसे टी 16 प्लस वन 17 नहीं आए, दिक्कत तो नहीं है भाई, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, एन सी आर एन की वैल्यू कितनी है 50, सी आर की वैल्यू कितनी है 16, एक्स की पावर 2 की पावर 16 माइनस है जी, अच्छा मुझे 50 और सुनाई नहीं दिया 50 माइनस, ये सारे ऐसे हो रहे हैं वर्ड है 50 60 हैं 15 माइनस बता दो गलती ना करवा दें, वाई वाई की वैल्यू क्या है ए की पावर 16 है। अब 15 16 ऐसे ही लिखा है दूर सुनने में, सर बोला ही था अच्छा मैंने सोचा मेरे कानों में फर्क रहा होगा। अब एक्ट अब किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, 18 को किससे लिख लूंगा मैं से इस फॉर्म लिखूंगा टी क्या जाएगा भाइयों क्या जाएगा बोल लो 50 C 17 आगे 2 की पावर माइनस हाँ पी बोल दो देखिए एकदम 50 माइनस ये देखिए गलती नहीं होनी है
ए की पावर 17। चलो भाई सही बात है, ना तो बात समझ आ गई। अच्छा अब लेकिन भाई चाहे थोड़ा सा और सोल्व कर लूँ भाई से, कर लूँ तो क्या जाएगा 50 बोल लो। अब बोल रहे 50 माइनस 16 कितना बचेगा भाई? 34। तुम सारे वर्ड बोल ले आज 34 है। अरे एक पावर सर माइंड में कुछ और चल रहा है, 16 माइंड ही रखो थोड़ा सा, थोड़ी देर और रखो छुट्टी होने वाली है, ठीक है। ये कितना जाएगा भाई इसका 15 c 17 और आगे 2 की पावर 33 आगे ए की पावर 17। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है भाई, कुछ दिक्कत है कुछ। लेकिन अब क्या कह रहे भाई साहब ये कि भाई इनकी दोनों की टर्म्स इक्वल है, लिखाया ना मैंने इक्वल। तो ये दोनों टर्म्स क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इसे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं ए टी भी लिखा हो तो क्या मतलब है इसका, अकॉर्डिंग टू यानी क्वेश्चन के अनुसार, हिंदी में क्या कहेंगे प्रश्न के अनुसार, कहते नहीं प्रश्न अनुसार लिखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे भाई इक्वल, लिखो इक्वल भाई ने 15 c 16 बोल लो 2 की पावर 34 इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। क्या हो गया अभी तो मैं देख रहा हूँ अभी तुम्हारे कहीं पता नहीं चल रहा, ठीक है आगे तुम यहाँ से बात दिक्कत क्यों नहीं भाई। वैल्यू क्या है कि निकालनी है भाई मुझे ए, तो भाई इसे एक बार 16 को तो इसके नीचे ले जाऊँ मैं और ये बचावा जो है ये नीचे ले जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या आ जाएगा बोलो, पावर 17 अपॉन 1 पावर 16 यानी 1 पावर 1 ए। तो भाई साहब इतने आ गए हैं, ठीक है, दिक्कत तो नहीं। तो अब बस कितना तंग करना, 2 की पावर 34 2 की पावर 33 कितना आ गया, कहाँ ऊपर नीचे, ये भी बहुत बहुत सीधा सा बच्चा एकदम है, सीधा सा हो गए तो सारे हैं। अब इसे 50 c 16 15 c 17 को सोल्व करेंगे क्या आएगा भाई, देखो कुछ कर सको सोल्व कर दिखाइए जरा, लंबा होगा अरे बहुत छोटा हो जाएगा, तो बहुत छोटा सा जाएगा, देखो मैं करके दिखाऊं हमारी नहीं करेगी लंबा था मेरा। देखो भाई 15 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा बोलो, 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 मैंने 60 आया यहाँ का, या लिखूँ या सीधा डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिखो डायरेक्ट बोलो भाई, फॉर्मूला होता है MCR = (n)(r)(n-r) ये देख रहे थे भाई साहब, पता नहीं मतलब क्या चीज आ गई है, यही होता है फॉर्मूला भाई, ये तो होता है भाई इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं, नीचे की लाइन थी नीचे डिनोमिनेटर है ये आ गई, ठीक अपॉन, ठीक भाई नीचे क्या आ जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन क्या जाएगा फैक्टोरियल 17 15 माइनस 17, ठीक है भाई साहब। देखो भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के क्या डिनोमिनेटर तो बताइए होगा, देख इतने ये सीधा सीधा बस कर देगा, डिवाइड आज चल देख कितने आसान होंगे, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा है ये तो पता होगा, ये भी नहीं पता बताऊँ किसको आएगा बोलो भाई, नहीं आया तो है अरे तो ऊपर क्या आ जाएगा फिर, आया तो बताओ ऊपर क्या आ जाएगा, इसे तो मिटो दो तो बेकार सही हो रहा है, क्या आ जाएगा बोलो
बोलो क्या आएगा? ऊपर तो जाएगा, ये आएगा ऊपर, क्या जाएगा? फैक्टोरियल 17 15 माइनस, पहले इसे माइनस कर दो ना भाई सीधा ही, कहाँ से ढो रहे हैं? हाँ तो ये ढो रहे हैं बिल्कुल ही, तो वैसे पहले बोझ बहुत हो रहा, डर रहे हैं। फिर नीचे क्या आएगा? फिर ये कितना आसान हो गया सवाल, है नहीं हुआ आसान था? देखो भाई अब मैं तो एक सवाल बताता हूँ, अगर कहीं क्या कहते हैं, अगर कहीं फैक्टोरियल 5 हो, इसका मतलब होता है 5, 4, 3, 2, 1 है भाई, ये तो होता है यानी 5 से आगे, ये तो बना गलत तो नहीं लिखा भाई, बता दे मुझे, अगर फैक्टोरियल 4 लिखना हो तो क्या आ जाता है भाई? 4, 3, 2, 1 है भाई, यानी ये 4, 3, 2, 1 क्या चीज है? ये 4 फैक्टोरियल तो है ये, यहाँ से इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 गुना, ठीक है, ये अगर गुना नहीं समझ में आ रहा 5 × 4 फैक्टोरियल है भाई, यही समझ लो, अगर इंग्लिश समझ में आ रहा चाहे इंग्लिश में पॉइंट लगा के ले भाई, किसी तरह लिख ले, समझवानी चाहिए भाई, ठीक है, नहीं 54 नहीं होना, ये अगर ये हटा देना तो फिर 54 हो जाएगा, नहीं तो ये ध्यान रखना है। या तो अब यानी कि अगर मैं एक नंबर बाहर निकाल लूँ ये वाला, तो अंदर कितना फैक्टोरियल बचेगा? 16 आ जाएगा ना, तो इसे क्या आ जाएगा बोलो, बाहर निकल के 17, ठीक है, यानी फैक्टोरियल n बराबर होता है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये तो होता है फॉर्मूला, बताया भी होगा तुम्हें। या नीचे क्या आ जाएगा भाई? फैक्टोरियल 16 है, इनके बीच में गुना बता रहे थे भाई, हैं गुना तो बताई थी आपने मुझे, इन्होंने बताई थी मुझे, इनके बीच में गुना भाई हो गुना भूल जाइए, इसे 33 तो छोटा है, तो जुगत में रखूँगा भाई, नीचे क्या जाएगा? 33 है जी भाई साहब, देख इससे ये उसकी दावत कर देगा, ले भाई इससे तो क्या आ जाएगा? 17 अपॉन तो कितना जाएगा? 1 अपॉन 2। आसान था मुश्किल था सवाल? आसान था मुश्किल तो नहीं था, अब तुम जो है देख कैलकुलेशन कितनी आसान हुई, ज्यादा आसान मुश्किल पड़ी कैलकुलेशन, तुम जो है बहुत लंबी कैलकुलेशन पड़ेगी है। अच्छा बात है, अगर न लगाते बस भागे जा रहे, जिस तरह भागे जाओ हैं है? अगर देखो एक कुश्ती होती है रेसिंग में होती है ना, अगर उसमें दंगल मना पहले जावे, वो जिस तरह सलमान खान जावे, कौन सी मूवी आया है वो सीखा है, जब भी तो कामयाब बने हैं, अगर ना सीखे जितना हो जाता वो, यही तो है, तुम्हें पहले कुछ तो सीखना ही पड़ेगा, जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी है तो पहले क्या लेता है वो? ट्रेनिंग लेता है, पहले वो पढ़ता है, पहले क्या करता है वो? पहले पढ़ लिया वो स्पोर्ट्स कॉलेज में, फिर उसके साथ ट्रेनिंग भी लेता है, और बच्चे क्या करते हैं आज की डेट में, पहले क्या है खेल ही, अगर पढ़ाई तो खेल भी हो जाएगी है, इंग्लिश नहीं बोलते सारे बच्चे, जो खेलने वाले हैं तो ठीक। देखो भाई सवाल क्या था, हट के बताऊँ भाई एक बार, वो देखो भाई ये सवाल था, इसके एक्सपेंड में ये कह रहा था कि 70 टर्म बराबर है भाई, एक ही वैल्यू बता दे, सीधा सीधा सवाल ही उठता जितना हिंदी में कहीं, तो कह रहा था भाई मैंने मुझे पता जनरल टर्म्स का TR+1 का फॉर्मूला हो, 70 को लिख सकूँ, 17 को T16+1 की वैल्यू निकाल ली, फिर कहेंगे निकाल ली T18 की वैल्यू कितनी निकाल ली, ये T17 की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी? T18 की, इन्हें दोनों को क्या कर देना? बराबर लिख देना और इन्हें सोल्व कर देना, इस तरीके की कहेंगे वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी भाई, आसान लगी मुश्किल? हो सकता है चुपको सवाल छोटा ही था, आगे बढ़े भाई, चलो आगे देखते हैं, लगाते हैं और सवाल लगाते हैं। एक बात समझ में आ गई क्या तुम्हारे, ये सब सब आ गया, एक्सपेंड तो करना आसान हो गया होगा, अब तो कर लूँगा एक्सपेंड, बिल्कुल ईमानदारी से मनाना करिए, फिर
देखो भाई मोटर साइकिल जब चलानी आ जाओ तो थोड़ी खड्डे में तो भी निकालनी पड़े ही थोड़े, या कि बिल्कुल प्लेन ही सड़क बिल्कुल जा गई है न, तो मार्केट गया भाई वहाँ जाम खाओ सीखता कहाँ है आदमी बाइक खाली जगह कार या मोटरसाइकिल कहाँ सीखता है भाई, खाली जगह सीखता है और चलाता कहाँ है मार्केट, तो देख के चलनी पड़ेगी नहीं ये बताए जितने नेहरू मार्केट चेक पॉइंट लगा रहे हैं बाइक वाले ने क्या हो जाएगी बाइक चलनी आ गई है, तो अब यह है कि यानी थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा फिर कि भाई भीड़ कहाँ जा रही कहाँ है थोड़ा बहुत यह देखना नहीं यह चक्कर ही मार देगा सीधी, वो तो चलाने वाली बताया भाई एक सीधा चला करी हूँ ये उस तरह मुड़ेगी और इस तरह होगा, ये थोड़ी बताएगा आदमी भी आ रहा फिर देखिए तो खुद अपन देखा है देखो चलो अच्छा एक वैल्यू निकाल ही दो एक और सीधा सा सवाल देखो थोड़ा सा इसका इसकी वैल्यू निकाल दो रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर फोर प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू की पावर फोर इसकी वैल्यू निकाल दूंगे है नहीं तो भाई मैं ही तो कह रहा फिर मैं भाई इसका भी एक्सपेंडेंशन कर इसका भी एक्सपेंडेंशन करना इसका भी करना और भाई नोवेल से करना है ये तुम तो मना कर रहे तभी गर्दन थी ला रहे थे करनी नहीं है भाई आराम से पढ़ लगे क्या पढ़ने चल रहा है दोनों इस तरह देख रहे थे एक मिनट लेंगे तो आराम से पढ़ लो थोड़ा एक मिनट रो फाल तो सही है ये बढ़िया बात है पेन चिल्ला कर रहे हैं गलत ही चिल्लाओ से ठीक भी चली जा रहा है Ahem.
देखो भाई, अच्छा देखो भाई जरा, एक मिनट के लिए ही छोड़ गए तुम। अच्छा ऐसा करके दिखाओ मुझे पहले, ए प्लस बी की पावर 4 इसे खोलेंगे क्या आ जाएगा बोल लो। बोल लो खोलिए लाइन में, बताओ क्या आएगा जल्दी बोल के। ए की पावर 4 प्लस है 4c1 आगे ए की पावर 3 आगे बी आगे 4c2 आगे ए की पावर 2 बी की पावर 2 पर आगे प्लस 4c3 बोल फिर हो यार। ए का क्यूब क्या करेगा, अरे ए बी हो गया फिर आगे 4c4 ये तो आएगा भाई। यस सर। अच्छा ए माइनस बी और 4 क्या आएगा भाई, सिविल किससे बोलो इसका क्या आएगा भाई बोलियो। ए की पावर 4 4c1 ए क्यूब बी प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 4c3 ए बी क्यूब आगे प्लस 4c4 बी पावर। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई, इधर देख लेते थोड़ा सा एक बार और। इन्हें सबको क्या कर लिया मैंने, ऐड कर लिया दोनों को, क्या कर लिया ना दोनों को, दिक्कत तो नहीं है कुछ। यहाँ से तो बात समझ में आ गई सीधी सीधी, क्या आएगा ए प्लस बी की पावर 4 प्लस ए माइनस बी की पावर 4, दिक्कत तो नहीं। तो क्या आएगा बोल लो। देख भाई ये भाई साहब इसकी दावत कर देंगे, ये इसकी दावत कर देगा है, दावत तो हो गई सबकी। तो क्या आएगा फिर, टू ए की पावर फोर प्लस 4c2 की वैल्यू बता दो ना भाई क्या हो गया, तो बड़े सारे हो गए हैं। 4c2 की वैल्यू क्या हो, 12 और 2 या भी 12 24 आ जाएगा ठीक है। 24 उठे मैंने कहा ठीक है, 24 ए का स्क्वायर 4c4 की वैल्यू कितनी हो भाई, 4c4 इसकी वैल्यू 1b4 2b4 आ जाएगी भाई, 1 की मल्टीप्लाई b4 2b4 भाई। यहाँ तक की दिक्कत तो नहीं किसी को है जी। अच्छा अब इन्हें दोनों में क्या कॉमन ले लूँ मैं, टू कॉमन लिए क्या आ गया, ए की पावर 4 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर भाई, मैंने गलती तो नहीं कुछ कर दी थी एक ही तरह है, लास्ट में बी की पावर 4 और थ्री थी, इससे अलावा गलती करी मैंने है जी। C1, C2, 4, 2, 4, 2 ठीक है चलो जो हो गया। ये क्या आएगा, फोर सीटी की वैल्यू क्या आया भाई, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 4 3 2 2 इनटू 2 इस पे ठीक है, 2 यार 6 आएगा यार, 6 बोला था। अरे मैंने फिर दोबारा कहा था, फिर चुप क्यों हो गए थे, हैं क्या टोटल वैल्यू, तो बात तो बाद में, पहले ये तो देख लो ये क्या आ जा, क्या आ गई है, हाँ क्या आ गई है, चौबीस क्या आएगा यहाँ 12 और 12 की जगह क्या आएगा, ये 6 क्या 12 की जगह क्या आएगा 6 डिवाइड जाते हैं कुछ, इतना लंबा सा कहाँ से आ गया। अच्छा यानी ए की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4
अगर क्या फॉर्मूला हो, ए प्लस बी की पावर फोर, ए माइनस बी की पावर फोर हो, देखो इधर देखो कितना आसान है, इसकी मैक्सिमम पावर लिखी, इधर देखो इसकी मैक्सिमम पावर लिखी, फिर क्या की पावर लिखी, बी की पावर मैक्सिमम पर लिखी, फिर इनकी आधी आधी मल्टीप्लाई अच्छी, ये सीधा फॉर्मूला हो गया रट लोगे। अगर ऐसा सवाल हो तो क्या आ गया ये फॉर्मूला, क्या आ गया बोलो, भाई बात नहीं। अच्छा अब अगर मैं यहाँ के यही इसका माइनस कर देता, इसका क्या कर देता भाई, मैं यहाँ माइनस कर देता भाई, चाहो क्या कर देता मैं, माइनस में क्या जाता भाई, है बोलिए जरा एक मिनट के लिए, क्या जाता बोलो, क्या जाता, ए प्लस बी की पावर फोर माइनस ए माइनस बी की पावर फोर से क्या जाता बोलो। देखो भाई जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यह आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा ना। अब बताओ क्या आ जाएगा, अब के इन भाई साहब की दावत हो जाएगी, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा, टू फोर क्या, अरे फोर सीवन फोर ही रखो ना भाई, हाँ तो फोर रखो, क्या क्या जाएगा बोलो, फोर प्लस फोर एट आ जाएगा भाई, एट क्यों नहीं कहते यार, कहाँ कहने चाहिए तुम, फोर प्लस फोर कहते ना, फोर और एट एट क्या आ जाएगा, एट ए क्यूब भी एट, देखो फोर ये रहा फोर हो रहा, एट सीधा सीधा बताओ यार, देखो इससे दावत कर देगा है, तो ये क्या यहाँ क्या बचेगा, फोर सी थ्री से ये भी दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, क्या बचेगा ये, क्या आएगा, फोर सी थ्री क्या आएगा, एट ए बी की पावर क्यू, एट ए बी की पावर थ्री, और इससे ये कट जाएगा भाई, दिक्कत तो नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, सर एट आठ ए बी, आठ ए बी एट ए बी, क्या कॉमन लिया, क्या बच जाएगा ये, अब देखो इसका तो हो गया ये फार्मूला भाई, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि अगर ये a प्लस बी की पावर फोर माइनस ए माइनस बी की पावर फोर हो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रट लियो क्या होता है आंसर, एट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस तरह का एग्जाम होता है, तो जाने की जरूरत नहीं है, इस सवाल में क्या आ जाएगा, इधर मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, क्या आ जाएगा सवाल में, एट क्या आ जाएगा, आंसर बोलो, एट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए भाई, यही तो आना चाहिए, आना चाहिए, ए की वैल्यू क्या है इसमें, अंडर रूट तीन, बी की वैल्यू अंडर रूट दो, ए की वैल्यू रूट थ्री का स्क्वायर है, बी की वैल्यू रूट दो, एक दो रही हिंदी में कभी हिंदी करने के लिए दिक्कत किया जा है, एट रूट थ्री रूट टू रूट सिक्स, रूट थ्री का स्क्वायर कितनी होती है वैल्यू भाई, थ्री, और रूट टू का स्क्वायर वैल्यू कितनी आती है, टू, तो थ्री एट टू फाइव, फाइव एट अब देख आसान है मुश्किल है, लगे बड़े थे तो आसान हो गया सवाल ही, तो इसका मतलब यह है इसे डायरेक्ट फॉर्म को रख देना भाई, a प्लस बी की पावर फोर प्लस ए माइनस बी की पावर फोर इक्वल टू क्या होता है, टू ए की पावर फोर प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर, अगर माइनस में हो तो आंसर आ जाएगा एट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका डायरेक्ट डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, जिस तरह वो इस तरह याद करते हैं वो होती है ना, वो होती है कौन सी ट्राइंगल होती है, वो जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में अगर भाई रटी रटाई है हमारी, अगर भाई एक साइड फोर है थ्री है तो तीसरी साइड फाइव है, रटते नहीं थे, बारह पाँच और फिर दूसरी कौन सी होती है, एक वो बारह पाँच और तेरह वाली, ये नहीं होती,
तो इसे रट लियो भाई यार, थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ेगा। इस रिजल्ट को याद कर लेना सीधा, इसमें जो है ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। बाद थोड़ा सा जो उतारना चाहिए उतार जाओ, ठीक है भाई, और नहीं उतारना चाहते फिर आगे बढ़ेंगे। उतारना ये नहीं है कि फाउंडेशन तार नहीं है, नहीं तार जो भी अच्छा लगे बता जाओ, ये उतार दें फिर आगे बढ़ते हैं। क्या गिरे बोलो, अच्छा वो प्लस वाले का आंसर भाई, ये आंसर आ जाएगा सीधा, सीधी बात है ये है तो प्लस वाले का आंसर। ए की वैल्यू क्या रख दोगे रूट थ्री, बी की वैल्यू क्या रख दोगे रूट टू, इसमें रख दिए बस डायरेक्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये लिखी थी हमने दोनों, इसलिए मैं तो इसलिए प्लस मैंने दोनों बताया एक साथ ही है, इसलिए कहा था बेटे इसका रिजल्ट याद कर लेना, प्लस वाले का तो यह है रिजल्ट और माइनस वाले का। चलो एक और सवाल करूँगा इसके ऊपर ही आता है, इससे और क्लियर हो जाएगी छोटी बात है। आरा कुछ सुनो, छोटा सा मुद्दा यार, देखो भाई दो भाई साहब, यस सर, ये कोई थोड़ा सा कर लेगा ही है, चलाने आ गई स्कूटी, चलो देखते हैं कुछ देना है, फिर कोशिश करते हैं एक बार है। देखो भाई सर, देखो अभी एक सवाल हो, देखो रूट लिखो, रूट टू प्लस वन सिक्स, रूट टू प्लस वन की पावर सिक्स प्लस रूट टू माइनस वन की पावर सिक्स, इसे करके दिखाओ भाई, ये तो कर ही लोगे भाई, आप कह रहे थे ना प्लस का किस तरह आया है, इससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें, बोले देखो करना किस तरह है, पहले तो इसे एक्सपेंड कर लेंगे रूट टू प्लस वन सिक्स को, फिर इसे एक्सपेंड कर लो और दोनों क्या कर दो ऐड कर दो, आंसर सीधी सीधी बात है। मुझे पता नहीं, दिखाऊंगा मुझे तो पता लगेगा मुझे आंसर है, वो फॉर्मूला देखो तो वीडियो स्कूटी खास करने आ गई,
और मैंने कहा था तू भी चला नहीं आ गए हाँ जी तो गाँव में यू चला है गाँव में तो कटमार के चला देखिए बच्चे कि भाई गाँव में जो स्कूटर चला किस तो कटमार के चला है गाँव में देखिए अगर नरुंगवाड़ी कटमार के चला तो क्या आप कहाँ जाएंगे दो बोलो अस्पताल में तीन चार पहली बार हुई है हाँ हाँ ये पहले ये एक्सपेंड होगा फिर ये एक्सपेंड होगा अगर इसको ईवी करना है थोड़ा तुम भी जाओ बाकी फिर बस हैं तुम बह गए तुम स्कूल से बह गए हैं कर लिया भाई आई नहीं सिनेमा हो गया शाबाश देखो भाई बहुत अच्छी बात है देखो दिखाना कॉपी अच्छी बात है फोर वाली थी कर लेगा सीधे फॉर्म ले थे बेटे देखो फोर वाले में फोर पावर थी अब कितनी है ठीक है बड़े से हो गए और नीचे से हो गए हम थोड़े से है नहीं पहले पहले बच्चा पाँच रुपये में खुश हो जाए छोटा बच्चा फिर बड़े कितने में जा दस में छोटा बच्चा और जेल के बाद अगर तुम्हें दस रुपये दें अगले खुले में तो वैसे चले जाऊँगी है नहीं तो जीजू बच्चा बढ़ता हो जाए अब सिक्स पावर है बेटे इधर एक्सपेंड कर लो पहले क्या कहना चाहिए थोड़ा क्या देखो भाई इससे अच्छा है एक बार तुम इसे एक्सपेंड कर लो एक्स प्लस वन की पावर सिक्स को क्या एक्सपेंड कर लो और एक बार कर लो एक्स माइनस वन की पावर सिक्स को करना है फिर एक्सपेंड क्या जाएगा बोलो बोलो करते हैं दोनों मिलके सब क्या जाएगा ये एक्स की पावर सिक्स आगे प्लस सिक्स सी वन एक्स की पावर फाइव फिर वन वही बात बड़े सारे हो गए वन का तो चक्कर छोड़ दो एक रुपये का नहीं चाहता अरे नहीं एक रुपये का तुम सोच लो पहले था आगे थ्री टू फोर आगे प्लस टू आगे ठीक है भाई यहाँ तक यही आएगा अब इसका क्या आएगा भाई इसका बोलो एक्स पावर सिक्स माइनस प्लस माइनस प्लस सिक्सटी टू एक्स पावर फोर आगे माइनस सिक्सटी थ्री एक्स का क्यूब है आगे प्लस सिक्सटी फोर एक्स पावर फोर आगे माइनस सिक्सटी फाइव एक्स पावर फाइव प्लस भाई बात सुनियो से नहीं आई होगी आगे यहाँ तक इन्हें दोनों क्या कर दूंगा अब दावत कर दूंगी दावत कर दूंगी ठीक किस किसकी दावत होगी भाई यो इसकी ये तो ये दोनों भाई हैं दोनों खा पी लेंगे चलो भाई पैसे खत्म ही किए तो हैं किस किसकी दावत होगी और ये भाई साहब की दावत हो गई है और किसके लिए ये दोनों भाई साहब दावत खा लेंगे बच्चे कौन थे ये गली बार खा लेंगे क्या बचा क्या बचा बोल दो टू एक्स की पावर सिक्स आके सिक्स यू टू की वैल्यू कितनी है गलत ना बताइए पंद्रह है भाई लिख लूँ पंद्रह बता रहे लिख लूँ चल भाई लिख लूँगा मैं तो भाई फिर तुम्हें गलत लिखे पंद्रह और पंद्रह तीस थर्टी है जी
ठीक है चलो भाई बात हो गई है। 64 कितना आता है वैल्यू? 10। 62 कितना निकालता है बोल लो? 15 इसका 15 नहीं आ रहा। हाँ 15 आएगा इसका भी, बिल्कुल सही कहा। अब आ गया तुमने भी, देखो फॉर्मूला होता है ये एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। क्या फॉर्मूला होता है? एन सी आर इक्वल टू एन सी, पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। यानी अगर इसमें से ये माइनस करके वैल्यू वही इक्वल आती है। देखो ये है 62, ये है 6 में 2 या क्या बचेगा 64 की वही वैल्यू आएगी जो 62 की है। इसलिए एकदम देख के गया था हमने 15 आज ये एकदम बता दें मैं गलत है। तो ये भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो यानी कि अगर 6C2 यानी R की वैल्यू N की वैल्यू 6C2 की वैल्यू वही आएगी जो 6C6 माइनस 2 कितना जाएगा N माइनस R, ये दोनों तो दोनों कितनी आएगी 15 आएगी। तो 15 कहाँ गया है? हाँ देखते रहिए भाई 6 5 4 3 2 आएगा यार। यहाँ तुम्हें भी कुछ पता नहीं है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। तुम भी देखते फिर कुछ पता नहीं भी है, चेंज वो लिख दो तुम्हारे 6 5 4 3 2 सो रहे तुम भी। चलो मैं तो सो ही रहा, तुम भी सो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। मैं ये तो कह रहा हूँ और क्या दिक्कत है। अब तो आगे बात सुनो, ये कितना आएगा भाई बोलो? 30 x की पावर 2। फिर आगे क्या आएगा? 6C6 किसी की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। देखो 6C ना 6C0 की वैल्यू भी होती है, 6C0 6C वैल्यू वही होती है। तो क्या है 1 और 1? इन सब में से क्या कॉमन है भाई? 2 कॉमन है। x^2 + 15x^2 + 2 अच्छा ये वाला लास्ट बन गया होगा आज है। चलो ठीक है, हाँ तो बात नहीं आ गई ना। देखो x^6 15x^2 इसमें वैल्यू रखी जाएगी भाई, ये क्या में वैल्यू रखी जाएगी? इसमें वैल्यू रखी जाएगी। आई बात में इसका क्या आंसर आ गया? इसका आंसर आएगा क्या आएगा? 2x^16 + 15x^2 फिर क्या गलती करती मैंने? फिर वो गलती करती, फिर 4 नहीं देखता। 15x^4 + 15x^2 + 1 ठीक है भाई, यहाँ तक की बात होने वाली तो कोई रेटी वाली बात नहीं, वो गलती होती मिस देख लिया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो अब इसमें x की वैल्यू क्या है भाई? √2। x की वैल्यू √2 कर दूंगा। दिक्कत क्या आएगी अगर तुम्हें थोड़ी सी आई तो √2 की पावर 6 आए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? √2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मुझे नहीं पता, हाँ तो क्या आएगी? मैंने तो पूछा क्या रहा, अरे भाई लिख लेते हैं। अभी 4 आ रही थी, 8 आ गई, 6 आ गई। आगे समझे भाई, यार बताऊँ किस तरह आई? अभी एक सवाल करूँगा इसके ऊपर, इसलिए बता रहा मैं, एक ऐसे ही सवाल बताऊँगा फिर मैं। देख भाई नहीं है तो देखो तुम्हारी समझ में आया? हाँ तो पूछ लिया भाई। देखो देखो भाई ये कह, ये कई बार बता दे मैंने, कह के निशान है बेटे, रूट की पावर कितनी हो? 1/2। देखो भाई ये √2 है, इसकी 2 की पावर कितनी है? एक बात से कहाँ कर दी तुम दोनों, 2 की पावर कितनी आ गई? ये कितनी है? और इसकी पावर एक बार मैंने बता दे पापा जी के, पापा बताया याद आ गया, तो पापा पापा की क्या हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई होगा। ये बच्चा की जाए तो बहुत बड़े आदमी है तो इन्हें धमका दें। तो क्या 2 की पावर क्या आ जाएगा? 1/2 × 6
है तो आसान हो गया, दिक्कत तो नहीं है। आगे बैठे भाई थोड़ा सा, एक सवाल उठा छोटा सा, अब तो बन गए आगे चिरा जी। चलो आगे थोड़ा सा एक सवाल उठा थोड़ा, हाँ सीधी सी बात है, कितनी आसान पड़ जाए है ये रूट टू को सिलोगे फिर जुड़ेंगे फिर वो दिमाग खराब करता रहेगा जो है। रूट टू वैसे भी सर दंगाई सा लगाया ना जैसे मैं बहुत दिक्कत सी पैदा कर रहा हूँ दिमाग में, बस सीधा एक बार ही उससे सोल हो जाओ। एक्स आसान पड़ता है, ये एक्स आसान पड़ता है, ये रूट टू आसान पड़ता है, ये आसान सही, ये जल्दी हो जाएगा ठीक नहीं है। चलो एक सवाल बोलिए, देखो क्या करे लिखन था तो बोल तो देते भाई, अच्छा बोल तो दिया करो लिख लेते हैं, अगली बार ध्यान रखूंगा ठीक है भाई, लिख लिया करो। अब तुमने सरगामी वीडियो पर छोड़ दिया है मेरा जबरदस्त कॉपी जिसके बाबू जी है, थोड़ा लिखा भी करो ऐसा नहीं है, तो थोड़ा उससे प्रैक्टिस है। देखो जब आदमी पहले क्या होता है, देखो तीन होती हैं, देखो पहले तीन चीज होती है, देखो सुनो भाई पहले क्या होता है, पहले क्या होता है सुनना समझना बोलना, ये लिखना भी चाह रहा है तो थोड़ा लिखा भी करो कभी कभी, यानी बिल्कुल ही प्रोफेसर हिस्ट्री की क्लास थोड़ी आई, बिल्कुल ही जो इतिहास की क्लास होती है भाई, शाहजहाँ वहाँ मरा उसने यूँ करा वो करा, चलो हो गया चलो भाई, थोड़ा लिखने का भी काम होता है मैथ में, इसलिए तो कराता हूँ थोड़ा, हाँ प्रैक्टिस के लिए थोड़ी इसलिए तो कर। अच्छा देखो एक सवाल है ये वाला, लिखो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम विच नंबर, विच नंबर इज लार्ज, लार्ज Using binomial theorem, which number is large? Binomial theorem का इस्तेमाल करते बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। अब ये तो यूँ कहेंगे जी मुझे तो ये नंबर दिख नहीं रहा, देखिए तो एक और इसकी तो 1000 है, ये तो इसकी भी पावर एक इससे बड़ी है, दिख नहीं रही मोटा मोटा 1.1 है भाई, क्या दिख रहा सीधा सकता ये नहीं दिख रहा, देख पुलिस की 1 रुपये की 1000 तीन की माई तो और बढ़ जा रहे हैं, और ये जैसे दही कतार कौन सा बड़ा लग रहा है, लेकिन इस्तेमाल क्या करना भाई साहब, कह रहे क्या इस्तेमाल करना। अच्छा देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ देखो एक तो है 1.1 की पावर 3, एक है 1.2 की पावर 3, इनमें कौन सा बड़ा होगा बताओ, बस अंदाजे से पूछ लिया ना लगा ये तो होगा, क्यों भाई ये 0.2 बता रहे भाई, कौन सा बड़ा होगा, अच्छा क्यों होगा, अरे की पावर भी तो 3 है सर, लेकिन वन की पावर बनी आएगी सर, ये 2 ये बड़ा होगा। अच्छा एक बात सुनो, अच्छा मैंने यूँ कहा कि भाई ओए मैंने यूँ कहा कि भाई 50 पैसे लिख के दिखाओ, किससे लिखा जाएगा 50 पैसे पॉइंट में, किससे लिखा जाएगा पॉइंट बोलो जितना 0.5 है, और मैंने कहा 5 पैसे लिख के दिखाइए भाई,
बोलो पांच पैसे हमने देखे ही नहीं चलती नहीं हम देखे यू कह दूंगा ना चल जाए देखे ही नहीं है पांच पैसे किस तरह होंगे हैं अरे पांच पैसे लिखने हैं भाई पॉइंट जीरो फाइव हाँ क्या क्या शब्द क्या कहा बैठे पॉइंट जीरो फाइव है पांच पैसे तो ये बड़ा है या ये बड़ा इसके आगे तो चाहे जितने लगा तो पैसे ही रहेंगे पचास पैसे ही रहेंगे अब देखो यह है पॉइंट वन की पावर थ्री पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन ये कितना है पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू यही तो है भाई तो क्या आ जाएगा वन 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 क्या आ जाएगा वन कितने बाद पॉइंट के बाद ये क्या जाएगा पॉइंट के बाद जितने भी पहले तक के छोटी इतना छोटा होता चले जाएगा ये बड़ा है ये छोटा है नहीं पॉइंट के बाद तो और छोटी होती चली जा वैल्यू ये तो ऐसी जैसे पॉइंट एट का मतलब होता है एट अपॉन टेन आई बात नहीं ठीक है भाई अच्छा अब ये क्यों बताना चाह रहा अब ये जरूरी नहीं है कि उसमें जो है उसकी वैल्यू बढ़े बारी बार पॉइंट की वैल्यू घटती भी चली जा घटती चली जाती पॉइंट की जो वैल्यू स्क्वायर क्यूब करेंगे घटती चली जा अब इसका क्या करना है इनमें कौन सी बढ़िया है इसे क्या लिख सकता हूँ मैं जो 1.1 को डिमोर्स थ्योरम का यूज करना है दिक्कत तो नहीं भाई कुछ यहाँ तक के लिख लिया इसे लिख दिया 1+0.1 की पावर दिक्कत तो नहीं भाई दिक्कत आई इसे खोलना एक्सपेंड करना है क्या आ जाएगा करना थे एक्सपेंड वन प्लस पॉइंट वन पर एक बार छुट्टी करो आज उनसे पहले है क्या आ गया भैया जब यार मैं खोल लेते हैं चलो खोल लेते हैं नहीं खोल देते हैं जब नहीं नहीं हो गया है तो क्या आएगा बोल लो बोलो बोलो क्या आएगा थाउजेंड थाउजेंड बीस जीरो की वैल्यू कितनी आ गया वन होगी थाउजेंड सी जीरो आगे वन से लिखू ना जीरो आगे बोलो वन करो थाउजेंड सी वन आगे लेकिन अब जो पॉइंट वन आ जाएगा इतनी छोड़ सकता मैं जो पॉइंट वन देखा जिसे भी छोड़ दो और आगे थाउजेंड सी टू पॉइंट वन का स्क्वायर है भाई देखो ये भाई देखो भाई ये पॉइंट वन है पॉइंट वन का स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा ये कितने पैसे आए इस टाइम एक पैसे नहीं आए अभी बताया था मैंने दस पैसे अरे इसका स्क्वायर कितने पैसे हो जाएंगे एक पैसा हो जाएगा देखो अभी बताया तो था मैंने पॉइंट वन गुना पॉइंट वन कितना जाएगा पॉइंट जीरो वन कितने पैसे ये भी है एक पैसा और ये कितने पैसे थे मैंने इसका स्क्वायर देख छोटा नहीं जाता पॉइंट के बाद अब तो समझ में आ गया जो मैं पता चल रहा था अच्छा अरे जब इसका क्यूब करूंगा तो उसका तो उस और उससे भी छोटा हो जाएगा वो तो याद है जब नहीं पहले रुपए चलते थे महाराजाओं के टाइम में क्या दमन्नी पमन्नी थी क्या क्या बताए थे वह और उसका स्वर तो उससे भी छोटा होता सब बेकार हो गए इसकी तो वैल्यू है ही नहीं कोई हो जाएगी तो भाई ये तो ख़त्म कर दूँ मैं इसकी वैल्यू है ही नहीं पहले थी बेचारे एक रुपये की एक पैसे की वैल्यू है दुकानदार के पास अगर मान लिया तुम्हारे पास 100 रुपए की चीज़ है 99 रुपए है तो दे देगा दुकानदार दे देगा यार चलिए एक बार फिर लग जाएगा फिला दें दे देगा नहीं रुपए और अगर ऐसा हो कि तुमने उगा अपने दोस्त को यार मुझे कोई 100 रुपए की चीज़ लानी है अब क्या कर अब मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है तू दे दे अब क्या देने 100 रुपए की लानी है अब भाई किस्त की ज़रूरत है अब मेरे पास 1 रुपया तो है 99 दे तो क्या कहेगा वो नालियाँ फेंक के मार दे उन्हें भी ठीक हो जाएगा है तो ये कितनी की वैल्यू होती है भाई इसकी पंद्रह इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई
इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000 सी1 की वैल्यू, और पॉइंट में 1। वो ये तो और छोटा आएंगे बेचारे, तो और गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि तो 0.0 है, और इसे छोटा कर देगा। लिखने की जरूरत तो है नहीं इसकी, छोड़ दिया अपनी तरफ से, क्या देंगे, चल रिटर्न में छोड़ दिया है। वो है ना लाला जी 50 पैसे छोड़ दूंगा, चल हिसाब बराबर, चल कोई बात नहीं, 100 रुपया 50 पैसे कोई चीज़ हुई, 100 रुपये दे दे, चलो ठीक है हिसाब बराबर, 50 पैसे की छोड़ने हुए। ठीक इसी तरह से ये तो सब छूट गए, तो ये 1+1000 ही 0.1 में मल्टीप्लाई करके आ गया भाई, ये क्या जगह है, 100 100। और 100 में 101, 100 जोड़ 1 जोड़ के आ जाएगा, ये तो 101 है, और ये कितना है, बड़ा कौन सा है फिर, और तुम कौन सा कह रहे थे देखने में तो वो बड़ा लग रहा, यही बोल रहा था हमने कहा भाई तो कुछ तो मामला है, वो है ना भाई यही बड़ा होगा। तो भाई अब इन दोनों नंबरों में से अगर पूछता है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा, ये दोनों नंबर ये बड़ा है या दोनों में सेम है या सवाल ही गलत है, तो कौन सा बड़ा रहेगा, तो क्या इस्तेमाल करिए, क्या इस्तेमाल करें हमने, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, हमने पता लगा लेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर, आसान लगा मुश्किल लगा भाई, प्रॉब्लम निकालना चाहो थोड़ा सा। आज के लिए इतना ही भाई है, ठीक है, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।